जंगल। छबरेड़ा विधानसभा की ग्राम अकबरपुर झोझा में 20 लाख की लागत से बनने वाली दो सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास विधायक प्रतिनिधि व पार्षद सतीश शर्मा के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जितना काम इस क्षेत्र में हुआ इतना पहले कभी नहीं हुआ। विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़कों के शिलान्यास छबरेड़ा विधायक के प्रतिनिधि एवं नगर निगम रूड़की के नामित पार्षद सतीश शर्मा ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान की जा रही है और क्षेत्र में भाजपा की सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ग्रामीणों की लंबे समय से मांग थी कि क्षेत्र में सड़कें टूटी पड़ी है। विधायक निधि से क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण कार्य शिव मंदिर के समीप व दूसरा निर्माण कार्य मदरसे की ओर जाने वाले मार्ग का कार्य करीब 20 लाख की लागत से किया गया है। निर्माण कार्य में पारदर्शिता रखने के निर्देश के लिए संबंधित ठेकेदारों को दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और मैं हूं दीपक अरोड़ा। अभी हम झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर झोझा में खड़े हैं। यहां पर विधायक प्रतिनिधि व पार्षद सतीश शर्मा जी की तरफ से दो सड़कों का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है और आइए जानते हैं वो विकास कार्य को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं। साहब, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने दो सड़कों का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है और विधायक जिस कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुए आपने कराया? धन्यवाद दीपक जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झबरेड़ा विधानसभा में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन विकास कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है। उसी के मद में आज मेरे द्वारा ग्राम अकबरपुर झोझा में दो सड़कों का उद्घाटन किया गया है। जहां पर हम खड़े हैं, ये 270 मीटर की रोड है, इंटरलॉकिंग टाइल्स के द्वारा निर्माण करा जा रहा है। दूसरी रोड जो खुंडेवाली को जा रही है, झबरेड़ा में मिलती है, लगभग 500 मीटर की वो रोड का भी आज उद्घाटन किया गया है। और कल भी हरजोली झोझा में एक रोड का उद्घाटन मेरे द्वारा ही कराया जाएगा। माननीय विधायक जी त्रिवेंद्रम गए हुए हैं चैंपियनशिप के उद्घाटन के लिए। वहाँ पे ये टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का जो है 20 मार्च से 23 मार्च तक का कार्यक्रम है। विधायक जी वहाँ पे हैं और उनकी अनुपस्थिति में मुझे आदेशित किया गया था कि आप वहाँ जाकर इसका उद्घाटन करें। पार्षद साहब, एक जानकारी और लेंगे आपसे कि जिस तरह से आपने उनके गैर मौजूदगी में आपने बताया वो किसी कार्य से बाहर जा रखे हैं, उद्घाटन कर दिए हैं, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वो कहीं जगह जाते भी नहीं हैं, आते भी नहीं हैं, तो उसको लेकर आप कहेंगे? देखिए, क्षेत्र के कौन लोग क्या कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस झबरेड़ा विधानसभा में विधायक जी के रूप में मैं स्वयं, उनकी धर्मपत्नी वैजयंती माला जी क्षेत्र में 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। विधायक जी को तो देहरादून से ही फुर्सत नहीं है, देहरादून के ही काम, देहरादून में रहने की वजह से ही झबरेड़ा विधानसभा के विकास कार्य हो रहे हैं। अगर वो यहाँ क्षेत्र में रहेंगे तो ये कार्य नहीं हो पाएंगे।